और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज आपका भाई जा रहा है घूमने, और आज आपका भाई बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा है। इसका कारण ये है कि आजकल मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद घूमने जा रहा, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग कर ही लेते हैं बहुत दिनों के बाद। तो आज कैसा प्लान है कि हम जा रहे हैं कमरनाथ घूमने, और आज हम अपने स्कूटर पर जा रहे हैं। देखते हैं आज स्कूटर पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, पर ऐसे मुझे लगता है कि स्कूटर पहुंच ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी मेरा दोस्त अपने घर तक गया है, तो वह भी आ रहा है, और आगे बाकी दोस्त हमें आगे मिलेंगे। तो इस टाइम मैं जयदेवी में हूँ, और यहीं से हमें थोड़े से आगे जाना है, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। गाइज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क लगा है, तो अभी वहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। चलो मैं आपको अपने दोस्तों से मिला देता हूँ। ये है हमारे मित्र मिस्टर रंजीत, मिस्टर विकास, और ये है हमारे फ्रेंड मिस्टर मिस्त्री जी, और ये हमारे फ्रेंड मन्नू। तो हम सब जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर फोटो फाटो खींच रहे थे, तो अब हमें बस थोड़ा सा ही रास्ता चलने को आया है। और ये मिस्टर रंजीत हमारे साथ कुम्मी से। एक बार आप गाइस व्यू देखिए यहाँ पे, गाइस एक बार आप जरा व्यू देखिए यहाँ का, कितना अच्छा व्यू है। गाइस हम तो आ गए हैं, पर ये लोग नहीं आ पा रहे हैं कि भाई कच्चे तक तो पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, यो गाइस यहाँ पर क्रैश हो चुका है रोहित भाई का, और रंजीत की बाइक रुक चुकी है, और आपका भाई तो वहाँ पहुँच चुका है। आपके भाई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं है गाइस, आज पता लगे हमें चेतक चेतक ही होता है। गाइस 220 तो इधर ही रुक गई है, इसके ऊपर नहीं जा रही है। अब स्कूटर तो चल रहा है, बाइक भी चल रही है, अब हम इन पे जाएंगे। 220 को इधर ही रोक देंगे गाइस। तो मिलते हैं आपसे थोड़े आगे। चलो गाइस, आपका भाई का चेतक सबसे पहले पहुंच चुका है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और आपका भाई सबसे पहले पहुंचा है। हेलो गाइस, ओ हेलो गाइस। गाइस तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बर्फ गिरा है, पर यहाँ पर बहुत ही कम बर्फ गिरा है, और
बंदे आगे फोटो खींच रहे हैं और हमें लगभग 10-15 मिनट ही लगेंगे ऊपर तक पहुंचने के लिए। और अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे, तो मिलते हैं आपसे थोड़े आगे। तो गाइस अब हम कमरनाग पहुंचने ही वाले हैं, अभी जल्द ही हम कमरनाग पहुंचने वाले हैं। और हम चल रहे हैं और हम कमरनाग में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी झील बर्फ से जम चुकी है। चल पा रहे हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं, गाइस तो आपका भाई दर्शन कर चुका है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब हम इधर नीचे मैगी बनाएंगे और फिर उसे खाएंगे। गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद आगे। विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसा बोलते ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चल उनका नाम बता दिया आप। अब हम मैगी बना रहे हैं, हमारे रंजीत शेफ यहाँ पर मैगी बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए बना कैसे रहे हैं, बर्फ के अंदर तो मैगी बना रहे हैं। न्यू स्टाइल, न्यू इन्वेंशन। हमारे फौजी भाई प्याज काट रहे हैं, तो अब हम थोड़ी देर में रोहित जी बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरी धूप का आनंद उठा रहे हैं और चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पर बहुत ही कम बर्फ है। पानी और यहाँ पर अब हम क्रिकेट खेलेंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग है। थोड़ी देर के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे। तो गाइस तो अब हमारी मैगी बन रही है और प्याज डल चुका है और थोड़ी देर में मैगी डालेंगे और हमारी मैगी तैयार हो जाएगी। गाइस नई टाइप की मैगी, बर्फ में तो मैगी बनी है, आज देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होता है। गाइस नए टाइप की मैगी, बर्फ के अंदर मैगी आज बना रहे हैं पहली बार। अब देखते हैं हमारी मैगी कैसी बनती है। गाइस और हमारी मैगी बन चुकी है और अब हम सब मैगी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी खानी है तो आ जाइए। हेलो गाइस, तो मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरा फोन बीच में बंद हो गया था तो मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाया और सर में बहुत दर्द लग चुकी है और बहुत थक चुके हैं आज। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।